कृषि कानून के खिलाफ 14 दिनों से सड़कों पर हैं किसान, इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर ये कृषि कानून वापस हो गए तो इसका कितना दूरगामी असर होगा? इसका जवाब जानने के लिए अब जरा ध्यान से इस रिपोर्ट को देखें। चौदह दिनों से दिल्ली की सरहद पर किसानों का डेरा है। नए कृषि कानून वापसी की जिद सरकार वर्सेज किसान की जंग में तब्दील हो चुकी है। सरकार बीच का रास्ता तलाशने की कवायद कर रही है, जबकि किसान कानून वापसी से कम की मांग से टस से मस नहीं हो रहे। अब समझिए कि जिस MSP पर किसान सरकार से लिखित आश्वासन मांग रहे हैं, उसका अतीत और वर्तमान किस ओर इशारा करता है। 1966 में पहली बार गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किए गए। MSP तय करने के लिए कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP कर दिया गया। 1966 में शुरू हुई ये परंपरा आज भी चली आ रही है। आज CACP के सुझाव पर हर साल 23 फसलों की MSP तय की जाती है। किसान अपनी फसल राज्यों की अनाज मंडी तक पहुंचाता है। इन फसलों में गेहूं और चावल को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया MSP रेट से खरीदती है। FCI किसानों से खरीदे इन अनाजों को गरीबों के बीच सस्ती दर पर देती है, लेकिन FCI के पास अनाज का स्टॉक इसके बाद भी बचा ही रहता है। यहाँ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कृषि जगत की सच्चाई समझा रहे हैं। साल 2015 में FCI के पुनर्गठन पर सुझाव देने के लिए शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि MSP का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिल रहा है, यानी 94% किसानों को MSP का लाभ कभी मिला ही नहीं। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जो व्यवस्था 94% किसानों के लिए लाभकारी नहीं है, वो भला देश के किसानों को अस्थायी संकट से उबारने का जरिया कैसे हो सकती। इसीलिए सरकार ने 54 साल बाद नया कृषि कानून बनाकर किसानों को आजादी मुहैया कराई। यहाँ बिचौलियों के खत्म होने से अब किसानों को अपनी उपज की। कल भी हमने आपको एक रिपोर्ट में दिखाया था कि कई राज्यों के किसान नए कृषि कानून के लागू होने के बाद अपनी उपज को MSP से ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। मतलब किसानों को मंडी से बेहतर ओपन मार्केट दिख रहा है। अब जानिए कि मंडी व्यवस्था से सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। देश भर में 6000 से ज़्यादा APMC की मंडियां हैं, जिनमें से 33% मंडियां अकेले पंजाब में हैं। इन मंडियों में MSP पर गेहूं खरीदने पर सरकार को उसके ऊपर मंडी टैक्स, आढ़तिया टैक्स और रूरल डेवलपमेंट सेस के तौर पर अलग से कुछ और पैसा चुकाना पड़ता है। टैक्स की ये पैसे राज्य सरकार के खजाने में जाते हैं। पंजाब में तीनों टैक्स मिलाकर सबसे ज़्यादा 8.5% अतिरिक्त खर्च आता है। हरियाणा में ये अतिरिक्त खर्च 6.5% है, जबकि बाकी राज्यों में ये खर्च 1-5% के बीच ही रहता है। कृषि अर्थशास्त्री विजय सरदाना बताते हैं कि यहाँ सरकार के सामने कई समस्याएं हैं। पहला ये कि सरकार किसानों को सब्सिडी भी देती है और फसलों की खरीद पर MSP भी देती है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव से ज़्यादा होती है। ऐसा दुनिया के किसी दूसरी अर्थव्यवस्था में नहीं होता। सरकार के सामने इस वक्त जो बड़ी समस्या है वो ये कि CACP की रिपोर्ट कहती है कि FCI के गोदाम में गेहूं और चावल मिलाकर सरकार के पास 74.3 मिलियन टन का भंडारण है, जो 41 मिलियन टन होना चाहिए। यानी भारत के पास ज़रूरत से 33.1 मिलियन टन ज़्यादा गेहूं और चावल स्टोर है। यहाँ सरकार की परेशानी ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं को ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के गेहूं से कड़ी टक्कर मिल रही है, और भारत के गेहूं की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वजह से निर्यात पर काफ़ी असर पड़ रहा है। भारत के बासमती चावल के बारे में भी ऐसी ही बातें कही जाती हैं। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।